हमारे देश में जब भी मल्लाह समाज का बात होता है, आरक्षण की बात होती है, तो मुकेश सहनी का नाम पहले आता है। मुकेश सहनी का नाम पहले इसलिए आता है क्योंकि जहां भी मल्लाह समाज के ऊपर में अत्याचार होता है, मुकेश सहनी सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। हाल ही में मुकेश सहनी ने 140 गाड़ियों के साथ में पूरे बिहार में अपना एक रथ यात्रा किया है। रथ यात्रा अभी चालू भी है, अभी दिसंबर तक रथ यात्रा चलने वाला है। ये बिहार के जगह जगह पर जा रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों से जा कर के मिल रहे हैं और वहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग गंगा जल ले करके आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग नरेंद्र मोदी को नहीं वोट करेंगे, आप लोग उसे वोट करेंगे जो आपके आरक्षण की आवाज़ उठाएगा, जो आपके लिए लड़ेगा। यानी साफ तौर पे वे कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में आपको औकात दिखा देना है, जो लोग भी मल्लाह समाज का साथ नहीं देगा आप लोग भी उसे मत दीजिएगा साथ। इसी संदर्भ में मुकेश सहनी पहुंच गए थे बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में मुकेश सहनी पहुंचते हैं और वहां पे जब वो भाषण कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है मुकेश सहनी के कार्यक्रम में कि महिलाएं आपस में लड़ने लगती है। महिलाएं इतनी लड़ने लगती है कि वहां चप्पल जूता चलना शुरू हो जाता है। चप्पल का मार वहाँ शुरू होने के बाद में होता यह है कि मुकेश सहनी मंच से लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा करने से आपस में हम ही लोग का नुकसान होगा, लोग हम लोग पे हंसेगा। लेकिन महिलाएं बात नहीं सुनती है और इस मामला को बढ़ाते हुए मीडिया खूब दिखा रही है। लेकिन सच्चाई ये है, जो मीडिया नाराज है मुकेश सहनी से, वो उनका ये तौर पे साफ तौर पे ये कहना था कि मुकेश सहनी जब मंच पर भाषण देने आए तो पहले तो मुकेश सहनी 4 घंटा लेट आए क्योंकि कार्यक्रम इतना ज़्यादा हो रहा है कि भीड़ होगा और जब भीड़ होगा रास्ते में तो आने में दिक्कत होगा। 4 घंटा लेट मुकेश सहनी पहुँचे थे और मुकेश सहनी के 4 घंटा बाद पहुँचने के बाद जगह ये कम पड़ गया, वहाँ पर मीडिया के रहने के लिए जो मीडिया के लोग होते हैं उन्हें सबसे आगे जगह दिया जाता है ताकि कवरेज कर सके, वहां पे जगह मीडिया के लिए नहीं था। तो जो कार्यकर्ता थे वो लोग लड़ गए और इसी में जो मुकेश सहनी के जो गार्ड थे वे लोगों ने कुछ मीडिया को धक्का दे दिया और धक्का देने के कारण ये हुआ कि मुकेश सहनी के अगेंस्ट में बहुत सारी मीडिया खबर भी चलाने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि मुकेश सहनी उसी मंच से या उससे पहले भी ये लगातार कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो चश्मा है उसमें केवल 10% आरक्षण वाले लोग ही दिखाई देते हैं, उसमें बेलदार समाज के लोग नहीं दिखाई देते हैं, उसमें मल्लाह समाज के लोग नहीं दिखाई देते हैं। उन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि मल्लाह समाज आज भी मछली मार के अपना जीवन यापन कर रहा है, मल्लाह समाज को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सारा सवाल मुकेश सहनी पूछ रहे हैं। क्या मुकेश सहनी के पूछ देने से क्या मल्लाह समाज को अपना हक मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप लोग से अपील है कि आप जब भी किसी को वोट देने जाइए तो आप उससे पूछिए कि क्या आप मल्लाह समाज के आरक्षण का बात करने वाले लोग का समर्थन करते हैं। अगर आप मल्लाह समाज के हित में काम करिएगा, मल्लाह समाज को आरक्षण दिलाइएगा, निषाद समाज को आरक्षण दिलाइएगा तो आपका वो आपको हम लोग वोट देंगे, वरना आने वाले समय में आपका औकात दिखा देंगे। मुकेश सहनी 140 गाड़ियों के काफिला के साथ में पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और बिहार ही नहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी ये भ्रमण कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी को 2019 के विधानसभा में किस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया था, राजद ने उन्हें कम टिकट दिया था इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में वो वहाँ से चुनाव भी जीते, इनके 4 विधायक भी हुए और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में एक ऐसा खेला किया कि इनके 4 विधायक को अपने खेमे में ले लिया और इनको न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा और उसके बाद में इनका बंगला भी खाली करा लिया और उसके बाद ये स्थिति हो गया कि जो NDA की बैठक हो रही है उसमें भी इन्हें नहीं बुलाया गया है। तो सवाल ये बहुत सारा है कि मुकेश सहनी क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे या इनको लालू प्रसाद यादव अपने पास बुलाएंगे, नीतीश कुमार अपने पास बुलाएंगे। सवाल ये है कि क्या इंडिया और NDA में मुकेश सहनी जाएंगे? जब NDA और इंडिया इन्हें नहीं अपनाएगी तो क्या ये अकेले चुनाव लड़ेंगे? जब अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कितना वोट आएगा? ये सारा सवाल है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि मुकेश सहनी अभी भी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हर हाल में हराना है और हर दिन वो पोस्ट लिख रहे हैं और अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ठगा है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? मुकेश सहनी जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं या गलत उठा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।